हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम रेसिपी बना रहे हैं। आपको पता है गर्मी का सीज़न है और गर्मी के सीज़न में बच्चों को आइसक्रीम बहुत ही पसंद आती है। तो मैंने यहाँ पे दो बंद लिए हैं और आपको आप बाज़ार से इजीली मिल जाएंगी। और ये मैंने लिया है दूध। दूध हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे और 2 कप दूध लेंगे हम। तो चलिए हम अभी इसको तोड़ लेते हैं अच्छे से, बारीक बारीक जैसे। देखिए बंद हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। बंद हमारा सॉफ्ट ही होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश, क्योंकि खट्टा वाला बंद हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आइसक्रीम के लिए बच्चों को फिर मीठी मीठी आइसक्रीम ही पसंद आती है, जिससे कि टेस्ट और भी बढ़िया लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बंद सॉफ्ट होना, सो बंद के अंदर खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए हमने दोनों ही बंद अच्छे से बिल्कुल बारीक कर लिए हैं। बन को ऐसे ही रहने देना है, कोई आपको उसका जो ब्राउन जैसा उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको सॉफ्ट होना चाहिए, दूसरा खट्टा नहीं होना चाहिए। बस हम इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे, अच्छे से मसल मसल कर, ताकि और भी अच्छे से मिक्स हो जाइए। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई में दूध लिया है। दूध मैंने 1 कप डाल दिया है और 1 कप और डालूँगी, ज़रूरत पड़ी अगर मुझे तो उसके बाद में मैं और डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पतला जैसा भी होना चाहिए, ज़्यादा थिक और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। हमारा जैसे रबड़ी होती है, जैसे हमारी जो डंडी वाली आइसक्रीम बनाते हैं, कुल्फ़ी बनाते हैं, अगर वैसा वाला टेक्सचर होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बस मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ आप वैसे ही बनाना, फिर आप देखना बच्चे आपको हमेशा घर के अंदर यही आइसक्रीम बनवाएंगे। आप इसको मटका कुल्फ़ी भी बना सकते हैं, डंडे वाली कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। तो देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है, मैंने एकदम से कुछ नहीं डाला इसमें। थोड़ा थोड़ा हम दूध इसमें ऐड करेंगे, ताकि इसका जो पेस्ट है अच्छे से थिक होने के बाद बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही हमारा रबड़ी के टेक्सचर में आ जाएगा। तो बस हमने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध डाल दिया है। तो इसको ज़्यादा हमने पकाना भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही बन हमारा पहले ही बना हुआ होता है, तो पका हुआ होता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब बस ज़्यादा नहीं बनाना हमने इसको, बस थोड़ा सा हल्का सा इसमें उबाल आया है। और चीनी हम अपने हिसाब से डालेंगे, यहाँ पे जितना भी आप मीठा पसंद करते हैं। वैसे तो आइसक्रीम मीठी ही होती है, मीठा ही ज़्यादा बस बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो वैसे ही आप मीठा अपने अकॉर्डिंग से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी यहाँ पे, तो ये मैंने काजू और बादाम, लौंग, इलायची और ये हमारा अखरोट, तो मैंने उसका घर पे अंदर पेस्ट बनाया था दूध के अंदर मिक्स करने के लिए, तो मैंने वो भी डाल दिया है। और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने दूध यहाँ पे सारा डाल दिया है और मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध और चाहिए, तो वो भी मैं डालूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, नीचे बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर देना, और आपको अगर मेरा जो वीडियो पसंद आता है तो प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मेरा जो आपका जो नोटिफिकेशन है आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्यार सा कमेंट जरूर करना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें दूध और डाल दिया है, अच्छे से मैंने इसको डाल के बिल्कुल ही पतला जैसा कर लिया है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बना के इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था और मिक्सी के, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही ये मैंने गैस से उतार दिया था और ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको मिक्सी के जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से मतलब इसका बिल्कुल ही थिक जैसा पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे मैंने, आपके पास जो भी बर्तन होगा या आपके पास सांचा होगा कुल्फ़ी जमाने वाला, अगर वो होगा तो आप वो ले सकते हैं। और बस मैंने, मेरे पास जो थे ये छोटे छोटे कप हैं, मेरे पास गिलास था, मैंने इसमें ही डाल दिया। और आपको उसी हिसाब से इसके अंदर उतना उतना डाल लेना है, कम ज़्यादा करके जैसे भी। और आप देखना फिर, ये आपका जो मटका कुल्फी हम बाज़ार से लाते हैं वो खाते हैं, और हमें तो बहुत पसंद है, हमने अपने टाइम में बहुत मटका कुल्फी खाई है, तो वैसे ही ये बनके तैयार होगी। तो चलिए अब हम इसको फ्रीज़र में सेट कर देते हैं। हमने ऊपर रखना है फ्रीज़र में, कम से कम आप इसको 2-3 घंटे के लिए रख देना सेट करके। मैंने तो इसको 2 घंटे के लिए पूरा रखा, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर फ्रीज़ के अंदर बिल्कुल ही आइस जमा हुआ है, बहुत ही ठंडा है टेम्परेचर इसका, मैंने बिल्कुल हाई कर रखा है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में तो बहुत ही हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखिए मैंने बिल्कुल ही 2 घंटे के बाद इसको निकाला है, तो हमारी आइसक्रीम बिल्कुल जम चुकी है, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी जमी है। ये 3 कप थे, तो 1 कप मेरे बच्चों ने पहले से ही टेस्ट किया था, इनको बहुत ही पसंद है, क्योंकि
गर्मी है तो किसके साथ वेट होगा, बच्चों को जब ऐसी चीज़ें बनती हैं तो बहुत ही पसंद करते हैं। तो हम इसको हाथ से ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है। तो हम इसमें डाल देंगे, आपके पास जो भी तिली होगी वो आप उस हिसाब से ले लेना। तो मेरे पास ये यहाँ पे तिली थी, तो आप इसको ऐसे से छोटी छोटी लकड़ी होगी आपको वैसी साफ़ सुथरी, उसको धो के अच्छे से इसके अंदर डाल लेना। जैसे मटका कुल्फी होती है हमने वैसे ही उसके अंदर लगा दिया, ताकि मैं इसको काटने के लिए बिल्कुल ही इजी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से जम चुकी है, और मैं उसको घुमाऊँगी थोड़ा जैसा, और घुमाने के बाद हम इसको थोड़ा सा हल्के हल्के से बाहर निकाल देंगे। तो आइसक्रीम हमारी बिल्कुल ही जम चुकी है, बहुत ही अच्छे से जमी है। बस इसको थोड़ा सा हल्के हल्के से घुमाएंगे और फिर ये बट से बाहर आ जाएगी। इसका जो थोड़ा सा डंडी थी वो थोड़ी सी कमज़ोर है। आप अगर आपके पास थोड़ी स्टिक जो आपको आइसक्रीम जमाते हैं, अगर मार्केट से वो मिल जाती है तो वो बहुत ईजीली होती है, अब वो लेके आना। तो मेरे पास तो यही थी, मैंने इसी से कर दिया है। तो देखिए बहुत ही अच्छी मटका कुल्फी बनी है हमारी। तो घर पे आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही पसंद आती है ये आइसक्रीम बच्चों को। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।